शेख ताराचंद की जितनी भी धन दौलत थी वो सब कुछ खत्म हो गई, यानी कि कहीं चोरों ने कहीं चोरी कर ली है, कहीं लूट हो गई है, कहीं जहाज डूब गए हैं, कारोबार बढ़ने की जगह घट गया और इतना घट गया कि कर्जवान हो गया। शेख ताराचंद के पास में कुछ नहीं बचा। जब शेख ताराचंद कंगाल हो जाता है तो अब सोचने लगता कि अब करूं तो करूं क्या, बिना पैसे के रोजगार नहीं चल सकता और पैसा अब तुझे कहीं से मिलने वाला नहीं, तू कर्जवान हो गया है। तो सेठानी दयावती, एक इकलौता उनका बेटा जिसका नाम चंद्रगुप्त था, जिसकी आयु 6 साल की, सेठानी कहने लगती है कि सेठ जी आप एक काम करिए, आपके एक यार हैं हापुड़ के अंदर, कौन, मनसा सेठ, और बिगड़ी हालत में जब कहीं कोई रिश्तेदार कोई अगर साथ ना दे तो यार ऐसा हुआ करता कि यार कहीं ना कहीं हमदर्दी रखता, यार जरूर साथ देगा, मुझे भरोसा है, आप एक बार अपने यार मनसा सेठ के यहां पर जाइए, हो सकता है आपका यार आपकी कोई ना कोई मदद कर दे। लेकिन ताराचंद कहने लगता कि सेठानी, सेठ मनसा का ये नियम है, ये रूल है, ये सिद्धांत है कि वो बिना गिरवी धरे किसी को एक पाई नहीं देता, और मेरे पास में गिरवी धरने के लिए अब कुछ बचा नहीं। तो सेठानी दयावती की नजर गई बेटे की तरफ और कहा कि हमारे पास इससे अनमोल चीज और कोई नहीं है, आप एक काम करो, चंद्रगुप्त को ले जाओ और चंद्रगुप्त को सेठ ताराचंद सेठ मनसा के यहां पर गिरवी रख देना और उससे कुछ ना कुछ पैसा धेला लेकर के आओ, कोई ना कोई और काम कारोबार शुरू करेंगे। किस तरह से समझा रही है सुनेंगे इस रागनी के द्वारा, आइए कैसे बोला। हाँ सेठानी, आप इतना उदास मत हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उदास क्यों ना हो, मेरा कितना बड़ा कारोबार था, कितना अच्छा काम था, कितना बड़ा व्यापार मेरा चला करता था, लेकिन आज मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है। मैं जानती हूँ पियाजी, ये समय बड़ा बलवान होता है, क्योंकि किसी ने कहा है वक्त नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे ये कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये जो वक्त होता है, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। पियाजी आज ये समय ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, तो ऐसे समय पे आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप मानो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सेठानी मेरी बुद्धि साथ नहीं दे रही है, मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ, मेरे दिल में यह आता है कि मैं अपने इस जीवन को खत्म करूं। नहीं नहीं पियाजी नहीं, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप एक काम करिए, आप अपने मित्र का हमेशा जिक्र करते हो कि आपके पगड़ी बदल यार हैं जो हापुड़ के अंदर रहते हैं। लेकिन सेठानी ऐसी हालात में कोई भी यार रिश्तेदार कोई साथ देने वाला नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप उनसे जाके मदद मांगो, मैं तो आपको एक काम करने के लिए कहती हूँ, और वो कौन सा काम है सुनिए मेरी बात। कहिए। इकलौता 6 साल का लड़का, तुम इसने गिरवी धरिया मनसा सेठ बसे हापुड़ में, उसके सुपुर्द करिया। मनसा सेठ बसे हापुड़ में, उसके सुपुर्द करिया। इकलौता 6 साल का लड़का, इकलौता 6 साल का लड़का, इसने गिरवी धरिया मनसा सेठ बसे हापुड़ में, उनके सुपुर्द करिया। सतपुरुष आदमी नहीं आज्ञान डालेंगे, दयावान सतपुरुष आदमी नहीं आज्ञान
जैसा अपने जैसा पोत समझ के तेरे लाल ने पाड़ेंगे। अपने जैसा पोत समझ के तेरे लाल ने पाड़ेंगे। फिर ऐसी जगह नहीं मिलने की, ऐसी जगह नहीं मिलने की, चाहे दुनिया में फिर आओ मनसा से बसे हापुड़ में उनके सुमरत करे। रोम रहूंगी हंस के पास बुलाने को, कितने दिन रोम रहूंगी हंस के पास बुलाने को। खुद मापन पूरी जगत में तोटा जिगर जलाने को, धर गिरवी सुतने लिया पूंजी कुछ ही अपना काम चलाने को। धर गिरवी धर्म तजन का दोनों हलपी उठा लेंगे। आज से आगे धर्म तजन का दोनों हलपी उठा लेंगे। अरे सेठ सठानी तेरे पुत ने गोटिया बीच लुटा लेंगे। टोटा हटते ही नफा रहते सुतने फिर छुटा लेंगे। टोटा हटते ही नफा रहते सुतने फिर छुटा लेंगे। फिर परमेश्वर का नाम लेके तुम, परमेश्वर का नाम लेके तुम झूठ सबर की भरिया मनसा से बसे हापुड़ में उनके सुप्रत करे।
छोड़ के अधर्म करते वो डूब बीच मझधार गए। धर्म छोड़ के अधर्म करते वो डूब बीच मझधार गए। गजहर गेरे लड़े चली अंदर गजहरी नाम पुकार गए। जो भरे सुंड रहा जल ऊपर वो पकड़ के अधर उभार गए।